हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। एक नए प्लान की केयर के साथ आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्लान वीडियो अच्छा लगता है, ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये प्लान वीडियो अच्छा लगता है, बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे प्लान वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मेरे बहुत सारे प्लांट वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, चाहे वो फूल देने वाले प्लांट्स हो या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, सबकी कंप्लीट केयर मैंने शेयर की हुई है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में गार्डनिंग विद गीत कुमार, आप लोगों को मेरे सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे मेरा प्लांट वीडियो, पसंद आएगा मेरा प्लांट वीडियो आप लोगों को, उम्मीद यही करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज चाइना फैन पाम की बात करती हूँ, चाइना फैन पाम की केयर शेयर करूँगी, खास तौर से फर्टिलाइज़र की बात करूँगी और इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो शुरुआत करती हूँ। ये चाइना फैन पाम का प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसके कई वैरायटीज़ जो प्लांट हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब में गार्डनिंग विद गीत कुमार सर्च करके, मैंने बहुत सारे पाम की वैरायटीज़ प्लांट के ऊपर शेयर की हुई है वीडियो, चाहे वो फिनिक्स पाम हो, कैनेटिया पाम हो, एरिका पाम हो, बॉटल पाम हो, पार्लर पाम हो, किंग पाम हो, तो बहुत सारे पाम के ऊपर मैंने कंप्लीट केयर शेयर की है। तो आज मैं चाइना फैन पाम की केयर शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वेल ड्रेन पॉट में, आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो वेल ड्रेन पॉट में लगाएं, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को अपना पूरा प्लांट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसे अपने एक शॉपिंग प्लांट्स की, जब मैंने शॉपिंग की थी तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया था शॉपिंग का, उसमें ये प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया था। अभी तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, हालांकि ग्रोथ समर्स में धीरे ही होती है, स्लो ग्रोअर प्लांट ही है, लेकिन विंटर्स में इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा धीरे होती है कंपेयर टू समर्स। मतलब कहने का मतलब है कि गर्मियों में इसकी ग्रोथ हालांकि धीरे ही होती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ होती है सर्दियों की तुलना में। तो आप इसकी देखभाल अच्छे से करें, हालांकि एक हार्डी प्लांट है और इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो है ही ये। तो आप इसे हमेशा वेल ड्रेन पॉट में लगाएं, कोशिश करें कि वेल ड्रेन पॉट लें, पॉटिंग मिक्स में एक हिस्सा मिट्टी के साथ रेत और एक हिस्सा खाद ज़रूर मिलाएं। खाद आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसमें मिला सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। हालांकि सुबह की आप 1 से 2 घंटे की धूप भी आप इसे दिखा दें तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, हेल्दी बना रहता है आपका प्लांट। पॉट की बात करूं, वेल ड्रेन पॉट तो ले ही फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश करें कि आप प्लास्टिक पॉट में ना लगाएं किसी भी प्लांट को, वो किसी भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, खासतौर से सर्दियों के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा दिन तक बनी रहती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। हालांकि मैंने इसे लगाया हुआ है प्लास्टिक के ही पॉट में, लेकिन मैं थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देती रहती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में प्लांट के जो रूट्स होते हैं जल्दी सड़ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करें मिट्टी के पॉट में लगाएं या सीमेंटेड पॉट में ही लगाएं, तो वो अच्छी ग्रोथ करता है। पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट अगर लगते हैं, वैसे तो इस प्लांट में मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं बहुत सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है फ्रेंड्स। अगर लग जाता है कीड़ा तो 1 चम्मच नीम ऑयल या फिर आपके पास जो भी केमिकल पेस्टिसाइड है वो उसकी मात्रा थोड़ा कम ही रखें, 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें तो कीड़ों से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। हो सके तो नीम ऑयल ही यूज़ किया करें, वो अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, ऐसा मैंने बताया आप लोगों को। इसकी प्रोपोगेशन बताऊँ तो इसकी प्रोपोगेशन सीड से होती है, बीज से होती है इसकी प्रोपोगेशन, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप लोग भी लगाएं अपने घरों में। और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो है ही, इसकी सारी वैरायटीज़ पाम की बहुत ही खूबसूरत होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटीज़ होती हैं पाम की।
और इस प्लांट में आप गर्मियों में ग्रोथ होती है इस प्लांट की अच्छी, तो आप हर 15 दिन में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर आपके पास कोई भी लीफ कंपोस्ट हो फ्रेंड्स, पत्तों से बना खाद, किसी भी तरह का आपका खाद हो तो आप उसमें डाल सकते हैं महीने में हर 15 दिन में फ्रेंड्स। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो वो बहुत अच्छी बात है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उससे, तो आप हर 15 दिन में इसे डाल सकते हैं। अगर केमिकल फर्टिलाइजर आप डालना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो समर्स में खास तौर से पहले तो मैं बताऊं कि जो भी आप केमिकल खाद यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा बहुत ही बैलेंस्ड वे में लें। एक छोटा टीस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसके पत्तों पे आप अगर फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कि एनपीके है, केमिकल फर्टिलाइजर है, तो आप उसे हर 15 दिन में इसके पत्तों पे और किसी भी लीफी प्लांट पे स्प्रे कर दिया करें फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, और प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और आपका प्लांट लशी ग्रीन बना रहेगा, खूबसूरत दिखेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। वाटरिंग बैलेंस्ड वे में करें, ध्यान रखें पानी ज़्यादा ना डालें, बहुत कम ना डालें। तो मुझे लगता है मैंने इस प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर अच्छा लगता है आप लोगों को मेरा ये प्लांट वीडियो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।